अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइस आर फाइन। माय नेम इज़ सजा ताहिर, आई एम फ्रॉम रियल स्कॉलर्स कॉलेज। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 एंड 7 कम्बाइंड, बिकॉज सैटरडे को मैंने आप लोगों का लेक्चर अपलोड नहीं किया था। एक्सरसाइज 9.2 आज हम कवर करेंगे। 9.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो कि ज़रूरी हैं फर्दर 9.2 के क्वेश्चन को समझने के लिए। सबसे पहले देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि राइट ट्रायंगल क्या होती है। ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी कोई भी मतलब जिसमें थ्री एंगल्स हों वो ट्रायंगल होती है। थ्री एंगल्स थ्री साइड्स। ट्रायंगल्स का स्पेशल केस क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल होती है कि अगर हमारे पास कोई एक एंगल 90 के इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाने का तरीका क्या होता है, कोई भी अगर ट्रायंगल है उसमें हमारे पास जो कॉर्नर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। अगर वर्टिक्स ए है तो उसके ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल बी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड कैपिटल सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 90 का एंगल है, 90 के ऑपोजिट जो आपके पास साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। जो एंगल है एंगल के ऑपोजिट साइड को हम ऑपोजिट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और जो रिमेनिंग है उसको हम एडजेसेंट एंड भी बोल सकते हैं या बेस भी बोलते हैं। तो ये देखिए कि हमारे पास थ्री साइड्स हैं ए बी एंड सी। ए बी एंड सी की पॉसिबल जितनी भी रेशियोज़ हैं, अब देखें ए डिवाइडेड बाई बी, ए बाई बी, ए बाई सी, इसी तरह से बी बाई ए, बी बाई सी, या तो फिर सी बाई ए, सी बाई बी। तो हमारे पास ये 6 जो हैं वो रेशियोज़ बन सकती हैं इंक्लूडिंग दीज साइड्स। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। अगर हम डिवाइड कर दें परपेंडिकुलर मीन्स ऑपोजिट को डिवाइड करें हम हाइपोटेन्यूज से तो वो बन जाता है साइन थीटा। बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और ये जो बाकी थ्री रेशियोज हैं वो इन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे साइन अगर ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज ओवर जो ऑपोजिट है वो कोसेकेंट के इक्वल होगा। सिमिलरली सीकेंट थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है एंड टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा, क्योंकि कोटेंजेंट अगर ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट है तो कोटेंजेंट एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट है। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो कि राइट ट्राइंगल्स की साइड्स की रेशियोज हैं। अब हम साइन की बात करेंगे, मींस प्लस साइन या नेगेटिव साइन। अगर किसी भी रेशियो के एंगल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसका बिहेवियर क्या होगा। अगर साइन के एंगल के अंदर, मैं साइन के बाहर की बात नहीं करी, साइन के एंगल के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो नेगेटिव साइन जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन इन शॉर्ट वर्ड्स माइनस साइन बाहर आ जाएगा। सारे फंक्शंस में ये होता है एक्सेप्ट कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा। कॉस के अगर एंगल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आसपास के सारे नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर देगा, सिर्फ एंगल के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह से सीकेंट, क्योंकि सीकेंट इसी का रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा के, अगर सीकेंट के एंगल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो इसका भी नेगेटिव साइन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ देखिए क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स मींस अगर हम शुरू से एक्स वाई एक्सिस हम क्वाड्रेंट्स किसको कहते हैं कि 90 के एंगल के, क्योंकि ओवरऑल सर्कल का जो है वो एंगल जो है वो 360 होता है। इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 90-90 के क्वाड्रेंट्स बनते हैं, क्योंकि एंगल हमेशा स्टार्ट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज। तो पहला क्वाड्रेंट जो है वो हो जाएगा दिस वन, ठीक है, 0 से 90। अब उसमें 90 फर्दर ऐड किए तो ये एंगल होता है 180 डिग्री। ये सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 to 0 या 360 ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब देखिए एंगल जो होता है वो क्वाड्रेंट में रोटेट करता रहता है। क्वाड्रेंट्स में कोई भी एंगल है, अब देखें इसमें पूरे टर्न के बाद वही एंगल्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी एंगल्स हैं, जीरो से लेकर 90 या बाद में जितने भी एंगल्स इसमें लाए करेंगे, उन सब का अगर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें, साइन कॉस टेन कोटेंजेंट सीकेंट कोसेकेंट, सब जो है वो उनका साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है,
थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, एंड लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी रेशियोज जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। मीन्स फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में दो पॉजिटिव बाकी चार नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दो पॉजिटिव बाकी चार नेगेटिव, एंड फोर्थ में भी ऐसा ही होता है। अगर हम इनके फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करें, ऑल के लिए ए, साइन के लिए एस, टेन के लिए टी, कॉस के लिए सी, तो हम इसको शॉर्ट टर्म्स में ऐड शुगर टू कॉफ़ी से भी याद रख सकते हैं, या कोई इतनी मुश्किल नहीं है जिसके लिए आपको शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़े। अब हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ कौन सी होती हैं। देखिए, हम जितनी भी रेशोज़ हैं उनको हम साइन एंड कॉस की टर्म्स में लिख सकते हैं। सीकेंट थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, मीन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू वन ओवर कॉस थीटा, कोसेकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू वन ओवर साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा के इक्वल होता है, एंड अगर हम स्क्वेयर्स में रेशियोज देखें तो साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इक्वल टू वन होता है, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, एंड वन प्लस कॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ और ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। क्वेश्चंस करने से पहले इनको आप अच्छी तरह से जो है वो याद कर लीजिए, ताकि आप इनके क्वेश्चंस में यूज़ करें तो साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो। ऐसा ना हो एक भी आइडेंटिटी लगानी है तो पहले आप इसको जो है वो देखें कि कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज़ करनी है, उसके अकॉर्डिंगली पहले याद कीजिए फिर अप्लाई कीजिए, ताकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो। स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 4 है। साइन थीटा इज इक्वल टू 12 और 13, और आपको क्वाड्रेंट बताया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपने रिमेनिंग जितनी भी रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। मीन्स अगर साइन थीटा आपके पास है एक रेशो है, बाकी रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। अब आप देखिए, साइन थीटा हमें गिवन है, अब साइन एंड कॉस के बेसिक फंक्शंस हैं। अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता चल जाती है तो हम बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो साइन एंड कॉस का रिलेशन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। इससे हम वैल्यू निकालेंगे कॉस की, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट अप्लाई किया तो प्लस माइनस आ गया। लेकिन क्या आपको कहा हुआ है कि टर्मिनल आर्म मीन्स थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, और जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल होता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सबकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो इस प्लस और माइनस वाले में से हम पॉजिटिव वाले को चूज़ कर लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू पुट कीजिए तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 5/13 के इक्वल। अब आप देखिए, क्वेश्चन में साइन थीटा गिवन था, कॉस थीटा हमने फाइंड कर लिया, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं सब इनके हेल्प से हम रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, तो इसको हमने साइन की वैल्यू पुट की, कॉस की वैल्यू 13 कैंसिल, तो ये 12/5 आ गया। कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है साइन की वैल्यू 12/13, तो इसकी वैल्यू 13/12 हो जाएगी। सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो 5/13 13/5 हो जाएगा। कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, ये कॉस बाय साइन, तो आपके पास इसकी वैल्यू 5/12 के इक्वल आ जाएगी। हमने यही चीज़ फाइंड करनी थी। इसी का एक और पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41, और आपसे कहा हुआ कि टर्मिनल आर्म जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो कॉस थीटा हमारे पास है, इसकी हेल्प से हम साइन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि बेसिक होते हैं साइन एंड कॉस। अगर साइन और कॉस की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप बाकी सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, आइडेंटिटी देखिए, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, वैल्यू पुट की कॉस थीटा की, तो हमारे पास देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन तो नेगेटिव होता है। क्योंकि साइन नेगेटिव होता है तो हम इसमें से नेगेटिव वाला चूज़ कर लेंगे रिलेशन, पॉजिटिव वाले को इग्नोर कर देंगे। वैल्यूज पुट की तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 40/41। अब देखिए, कॉस हमें गिवन था क्वेश्चन में, साइन हमने फाइंड कर लिया, अब बाकी जितनी भी रेशियोज हम इनकी हेल्प से फाइंड कर लेंगे। टेन थीटा साइन ओवर कॉस होता है, 41 कैंसिल, तो ये 40/9 आ गया। को सीकेंट 1 ओवर साइन थीटा होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल ले लीजिए। इसी तरह से जो सीकेंट है वो रेसिप्रोकल है तो कॉस का, तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट करें तो कॉस का रेसिप्रोकल ले लिया। इसी तरह से कॉट थीटा इक्वल होता है 1/10 के, तो वैल्यू पुट की तो
10 की वैल्यू -40/9, तो उसका रेसिप्रोकल -9/41 इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप लोगों के रिड्यूस सिलेबस में जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, मींस 1 एंड 2 एंड 3 के अलावा सारे क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूडेड हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपको कॉर्ड गिवन है और आपको कहा हुआ है कि टर्मिनल आर्म जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, देखिए पहली तो चीज़ देखें ना, कॉर्ड गिवन है और कॉर्ड की वैल्यू पॉजिटिव है। तो कॉर्ड कहाँ पे पॉजिटिव होता है? कॉर्ड रेसिप्रोकल होता है टैन का और टेंजेंट थर्ड में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है ये। और एंड फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब है ये या तो फर्स्ट में लाया करता है या तो थर्ड में लाया करता है। और उन्होंने कह दिया फर्स्ट में है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो एंगल है वो थर्ड क्वार्टर में लाया करता होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ कॉस की वैल्यू एंड कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी कुछ भी फाइंड नहीं करना। सबसे पहले देखिए, कॉट थीटा आपको गिवन है तो इसका क्या रिलेशन होता है? क्योंकि 1 + cot² कोसेकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है, हमने कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और कोसेकेंट क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइक कर रहा है, कोसेकेंट नेगेटिव होता है तो हमने नेगेटिव वाली वैल्यू चूज़ कर ली, वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास कोसेकेंट की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी -17/8। अब देखिए साइन क्योंकि इक्वल होता है 1/cosec के, तो साइन की वैल्यू भी आ गई। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस ओवर साइन थीटा के, इनकी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास सॉल्व होकर कॉस थीटा भी आ गया। तो हमारे पास इस तरह करके इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। बस हमने ये दो वैल्यूज निकाली थी, यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। बाकी अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उससे अगर हम जो है वो इसको देखा कंपेयर करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको वेरिएबल्स की फॉर्म में दिया हुआ है, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या है? m² + 1/2m। आपने क्या फाइंड करना है? बाकी जितनी भी रिमेनिंग रेशियोज हैं आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए, 1 + cot² = cosec² होता है, वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्यों, और ये उन्होंने कह दिया वे कहाँ पे लाया करते हैं? देखिए 0 से 90 के बीच में, तो 0 से 90 के बीच में मीन ये हमारा लाया करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो साइंस है वो पॉजिटिव पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखें, 1 + cot² = cosec² थीटा, कोसेकेंट की वैल्यू गिवन है वो हम पुट करेंगे, क्योंकि ये लाया कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो हमने पॉजिटिव वाला रिलेशन जो है वो चूज़ कर लिया। कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर -1, वैल्यूज पुट करें, स्क्वायर है स्क्वायर ओपन कर कीजिए। पहले हम जो है वो इनके सेपरेट स्क्वायर्स किए, इनके स्क्वायर्स को ओपन किया तो ये चीज़ आ गई। सॉल्व किया तो हमारे पास, आपने देखिए सॉल्व हुआ तो ये a² मीन्स m स्क्वायर का स्क्वायर m^4, 2ab मीन्स 2m² +1 माइनस, इनका एलसीएम लिया तो ये चीज़ आई, और ये 2m² -4m² -2m² के इक्वल। अब देखें ये a -b को होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है, मींस m² -1 का फार्मूला क्लोज हो रहा है, जब अंडर रूट लिया तो ये चीज़ आ गई। देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई कॉट की, कॉट आ गया। साइन किसके इक्वल होता है? 1/cosec के, क्वेश्चन में गिवन था जो उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, क्योंकि कोसेकेंट थीटा की वैल्यू थी m² + 1/2m, तो उसका रेसिप्रोकल साइन होता है, तो m 2m/m² + 1 साइन थीटा के इक्वल आ गया। अब देखें कॉट भी पता है साइन भी पता है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कोसेकेंट भी पता है, अब हमें चाहिए क्योंकि कॉस थीटा कॉस ओवर साइन होता है कॉट थीटा के, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा आ जाएगा। जब इनका मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कैंसिलेशन हुई, तो हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस थीटा की m² -1/m² + 1 सीकेंट थीटा 1/cos होता है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें तो m² + 1/m² - 1। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट का रेसिप्रोकल, क्योंकि कॉट की वैल्यू m, ये देखें कॉट की वैल्यू थी m² - 1/2m, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास टेन के इक्वल आ जाएगा। इस तरह करके हमारे पास जो है वो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस क्वेश्चन की आपने सही से प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी इसमें इशू हो तो आपने मुझसे लाजमी डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, एंड गिवन क्या है? टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आप ये देखिए टेन पॉजिटिव है, टेन कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है? टेन पॉजिटिव होता है, अच्छा ये क्वेश्चन में आई थिंक मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो आप ये देखिए टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो टेन के रिलेशन लिखिए 1 + tan² = sec² थीटा, अंडर रूट अप्लाई किया तो प्लस माइनस, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वार्टर में लाया करता है, सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं,
तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वाला रिलेशन चूज़ कर लेंगे, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। वैल्यू पुट की यहाँ पे, जो वैल्यू पुट की तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई ये चीज़, कॉस इक्वल होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा के, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखिए साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन के इक्वल होता है, तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया तो आगे पास साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। हमने क्योंकि यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, हमने वैल्यू हमें चाहिए कोसीकन स्क्वेयर माइनस सीकन स्क्वेयर ओवर कोसीकन स्क्वेयर प्लस सीकन स्क्वेयर, एक तो हमें कोसीकन स्क्वेयर चाहिए तो जब हमने यहाँ पे, और एक हमें सीकन चाहिए, सीकन की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से आ गई, सीकन की हेल्प से कॉस निकला क्योंकि सीकन का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉस की हेल्प से साइन आया और साइन की हेल्प से कोसीकन आ गया। अब देखिए कोसीकन भी है और सीकन की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, जो जो हमने वैल्यू चाहिए उसमें पुट करेंगे, वैल्यू पुट की स्क्वेयरिंग की तो ये 8 माइनस 8 बाय 7 ओवर 8 प्लस 8 बाय 7 किया, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, ये 48 बाय 7 और ये 64 बाय 7, 7 7 कैंसिल, और जब इनकी कैंसिलेशन हुई 16 3 ज़ार 48 होता है, 16 4 ज़ार 64, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 बाय 4 के इक्वल। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8, इसके भी उसी तरह से क्वेश्चन है, आपको कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है और उन्होंने कहा है आपने साइन और कॉस की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, तो सबसे पहले देखिए कॉट का रिलेशन क्या होता है, एक और चीज़ एंगल कौन से कॉट, उन्होंने बता दिया है फर्स्ट क्वार्टर में लाया करता है, तो सीकंड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट की वैल्यू पुट की तो हमारे पास कोसीकंड की वैल्यू आ जाएगी, और क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में लाया करता है तो साइन पॉजिटिव होता है, हमारे पास कोसीकंड की वैल्यू आ गई अंडर रूट 29 बाय 2 के इक्वल। कोसीकंड का रेसिप्रोकल है कोसीकंड को उलट साइन, तो साइन की वैल्यू आ गई 2 ओवर अंडर रूट 29। आपने इतने स्टेप्स नहीं भी करने तो इट्स ओके, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस ओवर साइन की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 3 इंटू साइन थीटा प्लस 4 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी 2 ओवर अंडर 29, कॉस थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 5 ओवर अंडर 29। जब आप इसका एलसीएम लें, पहले एलसीएम के लिए पहले फ्रैक्शन बनाएं, 3 टू ज़ा 6, 6 ओवर अंडर 29 प्लस 4 5 ज़ा 20, 20 ओवर अंडर 29 एंड ये तो हमारे पास 5 ओवर अंडर 29 माइनस 2 ओवर अंडर 29 है। एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, तो ये 6 प्लस 20 ओवर अंडर 29 बन जाएगा एंड ये 5 माइनस 2 ओवर अंडर 29 आ जाएगा, 20 प्लस 6 26, 5 माइनस 2 3, अंडर रूट 29 अंडर रूट 29 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 बाय 3 के इक्वल। बस हमारी 9.3 बस इतनी सी ही थी। अब आपने क्या काम करना है, आपने करनी है इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने आपको सिर्फ 2 पार्ट्स करवाए हैं, बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स हैं जो आप लोगों ने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली करने हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। कोई भी इशू हो तो मुझसे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, और इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।